आसन का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक मुद्रा। तो जब हम मुद्रा कहते हैं तो शरीर के द्वारा ली जाने वाली हर मुद्रा एक आसन होता है। अब ये एक आसन है, ये एक आसन है, ये एक आसन है, ये एक आसन है, ये एक आसन, तो कितने आसन संभव हैं? अनगिनत। अनगिनत मुद्राएं जो ये शरीर ले सकता है। उन अनगिनत मुद्राओं में से जो ये शरीर ले सकता है, हमने 84 आसनों को योगासन के रूप में पहचाना है। ये 84 आसन वो संभावनाएं हैं जिनमें आपका शरीर आपके सामने रुकावट नहीं बनेगा, बल्कि आपकी परम संभावना के लिए एक माध्यम का काम करेगा। इंसान जो कुछ करता है उसे करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ये उसका शरीर और उसका मन है। जिसे मददगार होना चाहिए था वो एक रुकावट सिर्फ इसलिए बन गया है क्योंकि हमने इसकी अच्छे से खोजबीन नहीं की है। योगासन का मतलब है कि आप अपने जीवन को अपने हाथ में ले रहे हैं, अपने शरीर और मन को एक संभावना में रूपांतरित कर रहे हैं, न कि अपने जीवन में एक रुकावट। ये एक मार्ग बन रहे हैं, न कि एक रुकावट। आपके अनुभव में हर भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और चेतना के स्तर के लिए आपका शरीर स्वाभाविक रूप से एक खास मुद्रा ले लेता है। मतलब अगर आप गुस्सा हैं तो आप एक तरीके से बैठते हैं, आप शांतिपूर्ण हैं तो दूसरे तरीके से, आप में उथल पुथल है तो आप एक तरह से बैठते हैं, आप शांत चित्त हैं तो दूसरे तरीके से। इस तरह से अगर आप अपने जीवन पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि चेतना की जिन अलग अलग स्थितियों का आप अनुभव करते हैं उनके लिए आपका शरीर अलग अलग मुद्राएं ले लेता है। आसनों का विज्ञान इसके उल्टे पर आधारित है। सचेतन रूप से अपने शरीर को एक खास मुद्रा मिलाकर आप अपनी चेतना को भी ऊपर उठा सकते हैं। जैसा आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और जीवन को समझते हैं, उसे आपके बैठने के तरीके से बदला जा सकता है। Physical body is the easiest thing to work with. शरीर पर काम करना सबसे आसान है। अगर आप अपने मन के साथ कोई चीज करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत सी चालें खेलेगा। कम से कम शरीर के मामले में आप जानते हैं कि आपका शरीर इसे सही कर रहा है या नहीं, कि शरीर सहयोग कर रहा है या असहयोग कर रहा है। ये मन अगर आप इस पर बहुत दबाव डालते हैं तो ये आपके साथ हर तरह की चाल चलेगा। ये आपको हर तरह की चीजों पर विश्वास करा देगा और अगले दिन धोखा दे देगा। पर शरीर ऐसा नहीं है, ये विश्वास के लायक है। अगर आप इस पर समझदारी से काम करेंगे तो योगासन आपको परम एकत्व की संभावना तक जरूर ले जाएंगे। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। जुड़ने का मतलब है, आज यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि यह सारी सृष्टि सिर्फ एक ऊर्जा है जो कई सारे तरीकों से प्रकट हो रही है। जब आइंस्टाइन कहते हैं E=mc², वो एक ही ऊर्जा के लाखों अलग अलग रूपों में प्रकट होने की बात कर रहे हैं। अगर आप इसे अपने अनुभव की दृष्टि से देखें तो आप जो सांस बाहर छोड़ रहे हैं वही सांस पेड़ अंदर ले रहे हैं, जो वो बाहर छोड़ रहे हैं हम अंदर ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे फेफड़ों का आधा भाग वहां लटक रहा है। आपके फेफड़ों का आधा भाग वहां लटक रहा है ना? सांसों की पूरी प्रक्रिया यहां नहीं हो रही, पूरा श्वसन तंत्र यहां नहीं है, सिर्फ एक भाग यहां है, दूसरा भाग वहां है। अगर यह बात हम अनुभव के स्तर पर जानते तो किसी को भी हमें यह कहने की जरूरत नहीं होती कि पेड़ मत काटो, पर्यावरण की रक्षा करो। अगर हमें इसका अनुभव हो जाए तो यह सभी हमारे लिए बेकार की बातें हो जाएंगी। तो यह एक आम बात है, कम से कम आपकी स्कूल पुस्तक में यह आम तौर पर पाया जाता है कि आपका अस्तित्व हर चीज से अलग नहीं है। आप सिर्फ इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, आप बस एक और अस्तित्व हैं, और यह बाकी की हर चीज का एक हिस्सा है। तो जुड़ने का मतलब है, अगर आप यहां बैठे तो आपके अनुभव में सिर्फ आप ही हैं, सारा ब्रह्मांड बस आप ही हैं। तो किसी ऐसी चीज को जो आप नहीं हैं, आप खुद के रूप में सिर्फ तभी अनुभव कर पाएंगे जब आप अपने भीतर एक खास स्तर तक चीजों को समाहित करने लगे। फिलहाल आप सिर्फ अपने शरीर को समाहित कर पा रहे हैं। अगर इस समाहित करने की क्षमता को शरीर से परे ले जाया जाए तो अचानक आप यहां बैठकर पूरे ब्रह्मांड को अपने रूप में अनुभव कर पाएंगे। अगर आपके साथ यह घटित होता है तो हम कहते हैं कि आप योग में। तो शारीरिक आसनों को इसलिए लाया गया क्योंकि शायद आप में से कई लोगों की उम्र इस बात के लिए काफी कम है, लेकिन अगर आपने 70 के दशक में टीवी देखा हो तो जब यह पहली बार आया तो आपके घरों के ऊपर एल्यूमिनियम की एक छोटी सी मशीन होती थी
क्या आपको याद है एंटेना? आप टीवी देख रहे हैं और अचानक से आपका टीवी बुप 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 बुप, फिर कोई ऊपर छत पर जाता था और एंटेना की दिशा ठीक करता था। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, धीरे से इस तरह से उसे फिर से सही जगह पर ले आता था और एक बार फिर से पूरा विश्व आपके कमरे में आ जाता था, है ना? बस अगर आप उसे सही जगह पर ले आए तो ऐसा हो जाता है। यह भी ठीक वैसा ही है, अगर आप सिर्फ इस शरीर को ठीक से थामना सीख जाएं, तो आप पूरे ब्रह्मांड को इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। यह हठ योग है।